अरे भाई भाई भाई, ये तो शॉट गन से ही मर गया, बट यहाँ पे उसके साथ साथ और ओरे भाई, अरे भाई ओ शिट, ओ यस, शॉट गन से भाई नॉक हो चुका है, बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ और भी दो, ओ भाई यहाँ पे दो दो और, अरे अरे अरे, मेरा किल चोरी कर रहा है बेंचो, ओ शिट, मेरा किल इधर चोरी कर लिया उसने, एंड एरा घर के अंदर और एक है, तो देखते हैं इसको मार पाते, ओ यस, एक ही शॉट से नॉक, तो मेरे हिसाब से जो H12 के हैं उससे बेटर है ये पंप वाला शॉट गन, तो मुझे तो ये पंप शॉटगन काफी मस्त लगता है, आप लोगों को क्या लगता है यार, प्लीज कमेंट करके बोलना जरूर, H12 के या पंप शॉटगन। गाइस चलो यार, यहाँ पे तो ये बंदा ऊपर चला गया है, मैंने जिसको नॉक किया था, मेरा तो एक किल चोरी कर लिया, तो मतलब इसको तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब एकदम पक्का ये मरेगा ही मरेगा, ओ भाई एक शॉट में ही खत्म, तो इसके पास एक भिखारी था यार, मेरे से बड़ा भिखारी था ये, बिकॉज इसके पास सिर्फ और सिर्फ पिस्तौल था एंड एरा और एक भिखारी देख सकते हो, एंड आई डोंट नो इसके पास क्या है, तो इसको हम लूट लेते हैं, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लूटेंगे गाइस, बढ़िया, यहाँ पे 3 किल आ चुका है एंड यहाँ पे 3 स्कॉट उतरा था, तो आपस में तो 2 स्कॉट का फाइट तो हो रहा है एंड यहाँ पे मैं 1 स्कॉट खत्म कर रहा हूँ, तो देखते हैं आखिर में मुझे कितना किल यहाँ से मिलता है एंड हम यहाँ से सर्वाइव करके निकल पाते हैं या नहीं, बिकॉज मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, समझ ही पा रहे हो, ठीक है, एंड ये एशिया सर्वर है, बिकॉज यहाँ पे देख ही पा रहे हो गाइस, सभी इंडियन प्लेयर हैं, काफी काफी प्लेयर कमेंट करके बोलते हैं, मतलब ये इंडियन सर्वर पे नहीं खेल रहे हैं भाई, दूसरे सर्वर में खेल रहे हैं, तो देख सकते हो लेफ्ट साइड में सभी इंडियन प्लेयर्स हैं, ठीक है, एशिया सर्वर है एंड यहाँ पे देख सकते हो पिन भी काफी स्टेबल है, तो दैट्स व्हाई समझ भी पा रहे हो, एंड चलो यार आगे तो एनिमी है, काफी शॉट्स पड़ रहा है, यहाँ से साउंड भी आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब पोजीशन नहीं मालूम, एंड मेरे पास देख सकते हो लेवल 1 का हेलमेट वेस्ट एंड आई हैव जस्ट शॉटगन एंड पिस्तौल, तो इससे हम क्या रश करें, देख ही सकते हो यार काफी डेंजरस तरीके से मैं फंस गया, एंड यहाँ पे एक ओ भाई साहब ये रहा एक, इसके पास काफी अच्छा खासा मतलब गन्स है, ओ नो शिट, फर्स्ट लगा था बॉडी शॉट, बट नहीं यार क्या मतलब मेरा एमएस प्रॉब्लम है या क्या ग्लिच है पता नहीं, वो नहीं नॉक हुआ था, दूसरे शॉट से वो किल हो गया था, एंड मेरे पास देख सकते हो अभी स्कारेल आ चुका है एंड शॉटगन, एंड शॉटगन का 2 बुलेट है सिर्फ मेरे पास, तो चलो नो प्रॉब्लम, इससे ही हम लोग रश करेंगे, देखते हैं यहाँ पे मुझे 4 किल मिल चुका है अभी तक, एंड आगे क्या होता है भाई, अरे भाई कहाँ छुप के बैठा है यार, 3 स्कोर तो आया था यहाँ पे मिनिमम, तो मुझे 8 किल चाहिए चाहिए, 2 स्कॉट को तो मुझे खत्म करना ही है, ठीक है, मैं केडी को मेंटेन काफी करना चाहता हूँ यार इसी सीजन में, सीजन 8 में, तो देखते हैं यहाँ से कितना किल हमें मिल पाता है, तो मुझे तो लग रहा है आगे एनिमीज हैं, बिकॉज वहाँ से साउंड भी आ रहा है, तो देखते हैं मुझे अभी मतलब उन लोगों का पोजीशन नहीं मालूम है कहाँ पे किस जगह में कैसे तरीके से छुपा हुआ है, एंड आगे देख सकते हो वहाँ पे लगा मुझे एनिमीज है एंड शूट भी वहाँ से ही हो रहा है, तो चलो यार थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं हम मरेंगे या मर जाएंगे नो मैटर, बट रश तो करेंगे ही, छुपके छुपके क्या खेलना भाई, छुपके खेलने का फायदा ही नहीं है, जहाँ हम लोग रश करने आए हैं एंड वो देख सकते हो भाई दौड़ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो रोजोक है, रोजोक तो अभी मतलब छोटा मोटा एक हो चुका है ये प्लेस, एंड आगे काफी गाइस हम लोग जाके खड़े खड़े कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे 2 स्क्वाड का फाइट हो रहा है, हम खुद जाके वहाँ पे सैंडविच करेंगे थर्ड पार्टी, ओ भाई यहाँ पे एक नॉक है, फ्री का किल, चलो गाइस फ्री का किल 5, ओ भाई एक क्या, अरे इसको मारना चाहिए था, क्या गलत कर दिया यार, यहाँ पे मेरा 1 किल यहाँ पे चला गया, अदरवाइज यहाँ पे 7 किल आ जाता, बिकॉज उसको अगर वो नॉक एंड उसका प्लेयर अभी जिंदा था, अगर मैं उसको मार देता तो वहाँ पे मुझे एक फ्री का किल मिल जाता एंड ये तो मरने ही वाला था, तो यहाँ पे गलती कर दिया यार मैंने, यहाँ पे 7 किल के जगह मुझे 6 किल आ चुका है,
जो काफी सैड न्यूज है मेरे लिए। तो चलो यार, एक का साउंड, फूड साउंड मुझे मिल रहा है, कहीं आसपास ही है बट पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है भाई। भाई उसका तो मरना तय है एकदम, डेफिनेटली वो मरेगा ही मरेगा, कहाँ है वो फर्स्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा। शायद इसी बिल्डिंग के नीचे ही है, बिकॉज नीचे से ही फूड साउंड आ रहा था, तो एक बार ऊपर जाके काफ़ी अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। रुक जाओ यार, थोड़ा सा लूट कर लेने दो मुझे फास्ट। तो ओ भाई क्या गजब का लूट है, M4 भी है, तो यार 5.2 बढ़ गया, स्नाइपर का सप्रेशर भी है जो मुझे चाहिए था, बट नो। चलो AKM से सब कुछ निकाल देता हूँ, बिकॉज AKM में विदाउट स्कोप मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, विदाउट हॉलो या विदाउट रेड डॉट। तो यार यहाँ पे सप्रेशर, ये सप्रेशर ले लेता हूँ, एंड AKM में से तो कुछ कुछ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो रहने देता हूँ ऐसे ही। रेड डॉट तो स्कारल के लिए है, एंड M4 में प्रेफर, मतलब M4 हाँ यूज़ करता हूँ उतना नहीं, बिकॉज मुझे स्कारल ही थोड़ा बेटर लगता है M4 से। तो चलो यार, वो देखो, देख सकते हो फूड साउंड, मतलब फूड जो स्टेप है वो भी दिख रहा है भाई, इसके नीचे है, मतलब मैं जहाँ पे था उसका नीचे ही है एकदम, बिकॉज फूड साउंड काफ़ी ब्राइट था। एंड आगे जाते हैं, ये वाला घर से एक बार चेक कर लेते हैं आगे है या नहीं है, कहाँ है एक बार पोजिशन अगर जान लेते हैं, मतलब अगर जान पाते हैं तो काफ़ी बेटर होगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। मुझे मालूम नहीं, मैं वो कैंपर है, मैं घुस जाऊंगा देन उसको काफ़ी आसानी होगा मुझे मारने में, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ से एक बार देखने की कोशिश करूँगा कहाँ पे वो भाई साहब छुप के बैठा है, मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं जाओ वो किल कर देगा ऐसा। तो चलो यार जाते ही हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो यार यहाँ से तो अगले बिल्डिंग में ही है बट पता नहीं, तो चलो यार सीधा घुस जाते हैं इसके अंदर। ओ भाई यहाँ पे कैंपर, यहाँ पे कैंप कर रहा है भाई। अगर लग जाता M16A4 का तो मैं गया, बिकॉज M16A4 6-6 लगा के सिंगल शॉट, ऑसम गाइस ऑसम। ट्राई करके देखना, अगर मेरा बात एक ही नहीं आता है तो मतलब स्नाइप कर सकते हो उससे, ठीक है। अगर आपके पास स्नाइपर नहीं है तो M16A4 सिंगल शॉट 6-6 लगा के तो देखो। तो गाइस आई होप ये छोटा सा गेम प्ले, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता नहीं है और कोई है। 7 किल हो चुका है, 8 किल मुझे, मैं बोला था 8 किल बट यहाँ पे 7 ही हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आते तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना तो मत ही भूलना। तो गाइस, तो चले गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।